निरहुआ निरहुआ करा तारू, निरहुआ से बियाह करी के, और जब बियाह ना हो तो बच्चा कैसे पैदा होई, और जब बच्चा ही ना हो तो वंश कैसे आगे बढ़ी है? ए चाचा, निरहुआ के बियाह जरूर होई। ए गिरधारी भैया, निकला बाहर। ई जौन पतो बिदा करा के ले आइल बड़ा, उ कौना कोठा से लेके आइल बड़ा। ए चाचा, मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ, बड़ी उम्मीदें इस फिल्म से, और सिर्फ मुझे नहीं पूरी इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीद है इस फिल्म से कि इससे भोजपुरी का ग्राफ और ऊपर जाएगा और एक टोटल, मतलब जैसे कहा जाता है, कंप्लीट एंटरटेनमेंट, मतलब फुल पैकेज फिल्म का, जिसमें इमोशन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, सब कुछ, पूरा पैकेज है ये निरहुआ हिंदुस्तानी। और हम सब बहुत ही उम्मीद से उस दिन का वेट कर रहे हैं जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हो, और पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस को भी ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। पहली बार इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है इस फिल्म में मैंने अपने किरदार को लेके। उसका नाम तो पारस यादव है, लेकिन उसको गांव वाले टेंगड़ा बुलाते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा होकर चलता है और दांत उसके थोड़ा बड़े हैं। एक एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा टफ था, डिलीवरी के वक्त बड़ी दिक्कत होती थी नकली दांतों के साथ पूरे इमोशन को परफॉर्म करना, बट कोशिश की और लोगों को अच्छा लग रहा है तो लगता है कि चलिए कोशिश कामयाब हो रही है। और अगर ऑडियंस को पसंद आ जाए तो हम समझ लीजिए कि फुल मार्क्स से पास हो गए हैं। उस तरीके से वो दोनों जो करेक्टर थे, राजा बाबू और निरहुआ हिंदुस्तानी वन में, उनका वो एक जस्ट लाइक एक प्रकार से फिलर थे फिल्म में। उनका कहानी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। जो बबलू यादव था निरहुआ हिंदुस्तानी वन का, प्लस जो राजा बाबू का डमरू था, डमरू जोबे, ये दोनों करेक्टर ऐसे थे जो हीरो को डिस्टर्ब करते हैं। उनको मतलब इस बात से, वो दूसरों की खुशी से बड़ी तकलीफ होती थी उन दोनों करेक्टर्स को। एक सिमिलरिटी थी दोनों में, वो बहुत डिस्टर्ब करते थे। मुख्य धारा जो कहानी की थी उसमें उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। निरहुआ हिंदुस्तानी टू में ये है कि ये जो पारस यादव है, टेंगड़ा यादव जिसको बोलते हैं, इसका कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट मतलब दखल है, कहानी के साथ चलता है ये। वो बाकी करेक्टर्स जो थे वो फिलर्स थे, वो कहानी में एंटरटेनमेंट के लिए या बीच में हीरो को डिस्टर्ब करने के लिए बस आते थे। ये किरदार जो है ये कहानी में उस परिवार का मेंबर है, ये अलग से नहीं, गांव का कोई ऐसा बदमाश लड़का नहीं है, बदमाश आदमी नहीं है। ये दिनेश जी की जो फैमिली दिखाई है उस फैमिली का ही भाई है जो अलग रहता है, जो बर्बाद हो चुका है दारू शराब और इन चीज़ों में, अपना परिवार मतलब अपनी प्रॉपर्टी लुटा चुका है, और अब उसकी नज़र अपने बड़े भाई यानी दिनेश जी के जो पिताजी हैं उनकी प्रॉपर्टी पे है। उनके तीन बेटे हैं, मेरे पाँच छः बेटे हैं, तो ये बहुत बर्बाद करेक्टर है, सब कुछ लुटा चुका है, और इसकी नज़र है कि मेरे बेटे उस घर के प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए। तो ये किरदार कहानी के साथ चल रहा है, वो किरदार कहानी के साथ नहीं थे, बीच बीच में फिल्म में आते थे एज अ फिलर, एंटरटेन करते थे, क्लाइमैक्स में फिर एक हो गया। वो करेक्टर तो ये नेगेटिव है टोटल, प्लस कॉमेडी कॉमिक टच लिए हुए, जो मंजुल ठाकुर जी की फिल्मों का एक फ्लेवर होता है कि उनकी फिल्मों का विलन हार्डकोर विलन नहीं होता, वो एक प्रकार से कॉमेडियन का भी काम करता है। कॉमेडियन भी होते हैं उनकी फिल्म में, ऐसा नहीं कि मैं कॉमेडी करता हूँ। हाँ, उनकी फिल्म का विलन ऐसा कोई मर्डर ऑर्डर नहीं करता, मतलब बहुत क्रूर विलन नहीं होता है, वो आम जिंदगी का विलन होता है जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर भी होता है। मंजुल जी बहुत डिटेल में काम करते हैं। मंजुल ठाकुर का सबसे पॉजिटिव जो फैक्ट पॉइंट है वो है उनका स्क्रीन प्ले। वो शूटिंग भले 35 दिन में करते हो लेकिन स्क्रीन प्ले वो कम से कम 4 महीने 6 महीने लेते हैं। तो इस फिल्म का भी जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले है। हाँ, मतलब ये है कि अगर हमने स्क्रिप्ट में 5 स्टार लिखा है तो हम 2 स्टार में शूटिंग नहीं करेंगे। जो लोकेशंस, जो स्क्रिप्ट में जैसा लिखा था कि यहाँ 400 लोग चाहिए तो वहाँ 400 लोग हैं, मतलब डायरेक्टर की बात को मानते हुए प्रोड्यूसर ने किसी भी लेवल पे स्क्रिप्ट के साथ, कास्टिंग के साथ कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। हाँ, इधर मैं लगातार फिल्म उनके साथ कर रहा हूँ और हमारी केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। वो जो टिपिकल गांव का झगड़ा होता है दो लोगों में और वो जो एक चिल्ला चोट और सारा कुछ, ये ऑडियंस बहुत लाइक करती है। और वो केमिस्ट्री हमारी पटना से पाकिस्तान, राजा बाबू और निरहुआ हिंदुस्तानी वन, इन सब में बहुत पसंद की गई है। और आई होप कि ये केमिस्ट्री हमारी यहाँ भी पसंद की जाएगी। और दिनेश जी के साथ काम करने का अपना मज़ा है, मतलब जितना बहुत रिलैक्स काम करता हूँ मैं उनके साथ, और उतना अच्छा मतलब गिव एंड टेक वाला मामला होता है क्योंकि बहुत पॉजिटिव इंसान है,
कोई एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो खुश होते हैं, इनसिक्योर नहीं होते। बहुत से एक्टर हैं, बहुत से हीरो ऐसे हैं जो सामने वाले की परफॉर्मेंस से इनसिक्योर होने लगते हैं। ये बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होते, ये बल्कि खुल के ज़मीन देते हैं। दिनेश जी उन लोगों में से हैं जो हमें दुगनी ज़मीन देते हैं खेलने के लिए। अच्छा है, भोजपुरी में वैसे भी हीरोइनों की कमी है थोड़ा, तो एक नई हीरोइन सचिता बनर्जी मिल रही है इस फिल्म में और बहुत अच्छे इंसान है। शूटिंग के दौरान मैं पहली बार मिला, बट उनके अंदर भी कुछ सीखने की, कुछ अच्छा करने की चाह है जो एक एक्टर को बहुत आगे तक ले जाता है। परफॉर्मेंस जानती हैं और डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। एक अच्छा काम किया है इस फिल्म से, एक नई हीरोइन भोजपुरी को मिलेगी। और आम्रपाली जी तो है ही, आम्रपाली जी का तो खैर कोई जोड़ नहीं है उनका। मैं कहूँगा भैया एक बार देख लो गुरु, दोबारा ना आओ तो नाम बदल देना। 54 मेंबर्स हैं हमारे एंटी हीरो ग्रुप में, भोजपुरी के लगभग सभी विलन्स हैं। हम 23 अप्रैल को लास्ट ईयर हमने यहाँ मनाया था मुंबई में, इस बार हम लोग थे नहीं, सारे लोग एक जगह इकट्ठा नहीं थे, तो हमने कहा भाई जो जहाँ है वहीं मनाएं। तो जो लोग बॉम्बे थे उन्होंने बॉम्बे में सेलिब्रेट किया और हम लोग वहाँ थे यूपी में अकबरपुर में, फिल्म बलमा सिवैया की शूटिंग चल रही है तो उसी सेट पे उसी घर में मनाया हम लोगों ने। खूबसूरत इत्तेफाक कि दिनेश जी, आम्रपाली जी और उस फिल्म के डायरेक्टर प्रेमांशु जी सब लोग थे सेट पे और उनके साथ और एक यादगार एंटी हीरोज डे, विलन्स डे मना हमारा, बहुत अच्छा लगा। प्लैनेट भोजपुरी।